हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब लोग भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 28 नवंबर संडे और अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ और मेरा हस्बैंड रेडी हो गए शॉप के लिए, क्योंकि आज हम लोग का न्यू शॉप का ओपनिंग है। तो आप लोग दुआ कीजिए। तो चलिए, पहले नमाज़ पढ़ ले मेरा हस्बैंड, फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे शॉप के लिए निकलने के लिए। तो अभी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा हस्बैंड जाएंगे, लेकिन आज मैं वैदान को लेके थोड़ा देर के लिए भी शॉप में जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और इस ब्लॉग अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा। तो मेरा हस्बैंड तैयार हो गए हैं शॉप के लिए और जल्दी उठ गए आज और सब कुछ सामान रख रहे बैग में। और आप लोग दुआ कीजिए मेरा हस्बैंड का शॉप अच्छे से चले, तरक्की करे, बहुत बहुत कामयाबी आए और बरकत दे रोजी रोटी में। तो अभी सब कुछ सामान अच्छे से पैक करके निकलेंगे अपने दुकान के लिए। तो आप लोग भी देखिए, और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड रेडी होकर निकल गए हैं शॉप के लिए और आज मेरे भाई भी आने वाले हैं, तो अभी रास्ते में है। और देखिए, वैदन अभी सो रहा है कैसे करके, देखिए। तो अभी काम शुरू नहीं किया है, अभी घर का काम भी बाकी, आंटी भी अभी तक नहीं आई है। तो चलिए घर को गुछा लेते, जो सामान कल शादी में पहन के गई थी सब कुछ उठा देते हैं, क्योंकि वैदान उठ जाएगा तो फिर उसको गिरा देगा, फेंका फेंकी करेगा इधर उधर। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना काम शुरू करते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मेरा किचन में और आज बन रहा है स्पेशल। स्पेशल क्या बन रहा है? बिरयानी। तो देखिए, मैंने आलू रेडी कर दिया है, इसमें नमक, मिर्चा और मीठा अदरक, और मैंने दिया है थोड़ा सा जाफरानी रंग, पानी, थोड़ा सा तेल, और देखिए मैंने मिक्स करके रख दिया है। और देखिए इधर है मीट है, मैंने मैरिनेट कर दिया है, और इधर तेल गरम हो रहा है, अभी खड़ा गरम मसाला मैं दूंगी। और देखिए इधर है प्याज। तो चलिए, अभी इधर खाने का तैयारी हो रहा है और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, वैदान भी उठ गया है, उसको पहले मैं नहलाऊंगी और उसको रेडी करके फिर उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी। और मेरे भाई आके नाश्ता करके शॉप में चले गए हैं और अभी तक खाना स्टार्ट तो हुआ है, नाश्ता तो नहीं हुआ है। तो मैं भी सोच रही हूँ वैदान को करके फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो चलिए जल्दी से काम कर लेती हूँ। किया है और अभी मैं दे रही हूँ खड़ा गरम मसाला, इसमें है छोटा इलायची, दालचीनी और लौंग, तेजपत्ता। और देखिए मैंने चावल को निकाल कर रख दिया है और प्याज धुले हुए हैं और अभी मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर मीट बन रहा है और आलू तो बॉईल हो गया है और इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है। चलिए दिखाते वैदान अभी क्या करे। वैदान तो नहा लिया है लेकिन कुछ खा रहा नहीं, एक ब्रेड हाथ में लेके सिर्फ खड़ा होके है, कुछ नहीं खा रहा है। काम हो जाएगा, बिरयानी को दम में चढ़ा के तभी मैं नहाने जाऊंगी। और मेरा भी नाश्ता नहीं हुआ है अभी तक भी, तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा खा लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। देखिए अभी मीट रेडी हो गया है, बहुत अच्छा कलर आया है और रेडी हो गया है। और अभी चावल अभी तक रेडी नहीं हुआ है,
तो फ्रेंड्स देखिए चावल में उबाल आ गया है और अभी 80% हो गया है, तो अभी इसको पसा देंगे चावल को। तो चावल को पहले पसाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। राइस हो गया है इधर, और इधर मीठे, और इधर बड़ा सा तो पतीला है, और इधर आलू है, और अभी मैं इसमें तेल लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी, तो इधर साइड में मैं फोन रख देती हूँ। तो बिरयानी में तेल लगाने के लिए सब कुछ सामान रेडी कर ली, और देखिए पहले मैंने थोड़ा सा घी दे दिया है पतीला में, और अच्छे से घी देने के बाद और अभी दूंगी चावल। बहुत गर्म है तो ध्यान से देना पड़ेगा। तो देखिए मैंने चावल दे दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा चावल को फैला दूंगी चम्मच से, थोड़ा गरम मसाला पाउडर। तो मैं घर में होममेड गरम मसाला बनाती हूँ। और देखिए आलू जो बॉयल किया हुआ था, आलू दे दिया है मैंने, और उसके बाद दूंगी मीट। तो आप लोग देखिए धीरे धीरे मैं कैसे तेल लगाती हूँ। तो देखिए मैंने आलू दे दिया है एक ही बार। आलू को देने के बाद अच्छे से चारों तरफ मैं फैला दूंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला दे दूंगी, थोड़ा सा नींबू का रस दूंगी, और मीट ऐसे करके तेल लगाऊंगी। तो आप लोग भी देखिए मैं कैसे करके बिरयानी में तेल लगाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आलू बुखारा भी आलू का ऊपर दे दिया है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए आलू के ऊपर मैंने आलू बुखारा दे दिया है, अभी तक मैंने मीट नहीं दिया है, अब मैं मीट दूंगी। तो मीट देने के बाद जो आधा राइस था तो उसके ऊपर मैंने दे दिया है, और अभी मीठा तर गुलाब पानी और जाफरानी रंग मिक्स करके रखी थी एक कप में, तो ऊपर से मैं उसको फैला दे रही हूँ चारों तरफ, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी दे दूँगी टेस्ट के लिए। तो देखिए थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर भी हल्का से दे दिया है ऊपर से, और उसके बाद घी दे दूँगी, और मैं दम में चढ़ा दूँगी, एक घंटा तक दम में दूँगी, और उसके बाद दिखाऊँगी। तो देखिए मैंने बिरयानी का तय कंप्लीट कर दिया है, अभी इसको ढक दूंगी और दम में चढ़ा दूंगी। तो बिरयानी कंप्लीट हो गया है, और मेरा नहाना भी हो गया है, अभी बज रहा अढ़ाई। तो अभी मैं दुकान के लिए खाना पैक करूंगी, तो चलिए खाना पैक करके मैं थोड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता ठीक से मैंने नहीं किया है, और आज रात को दावत है, तो देखते हैं दावत में जाते हैं क्या नहीं, जाने का तो दिल नहीं है, फिर क्या होगा पता नहीं है। तो चलिए अभी लंच बॉक्स पैक कर लेते हैं, और आपको दिखा लेते हैं मेरा बिरयानी कैसा बना। तो अभी लंच बॉक्स मैं पैक कर रही हूँ, और बहुत ही गर्म है, तो लंच बॉक्स पैक होने के बाद अच्छे से बैग में दे दूंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो बहुत ही गर्म है इसलिए थोड़ा सा सावधानी से पैक करना पड़ेगा। तो वैदान भी बहुत जिद कर रहा है किचन में आने मांग रहा है, लेकिन बहुत ही गर्म है इधर सब, तो डर लग रहा है, इसलिए जल्दी से काम ख़त्म करके वैदान के पास जाऊँगी और थोड़ा सा खेलूँगी, क्योंकि उसका मूड ऑफ है, रोना धोना कर रहा है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स अभी 3 बज रहे हैं, और बहुत ज़ोर से भूख लगा है, सबका खाना चले गया, सबको जिसको देना था दे दिया है, और जितना भी करो लेट ही हो जाता है मेरा खाने में। तो चलिए अभी खा लेते हैं, और उसके बाद वैदान को खिलाना पड़ेगा और ससुर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। तो देखिए मैंने खाना खा लिया है, और रेडी भी मैं हो गई हूँ, और देखिए वैदान भी रेडी हो गया है, ठीक है। और वैदान अभी नहीं खाया है, तो मैंने सोचा पहले उधर से आ जाती हूँ, फिर वैदान को खिला के सुला दूँगी। और वैदान मेरा मेकअप देख लिया है और उससे खेल रहा है अभी। तो चलिए अब नकाब और हिजाब पहन लेती हूँ, और उसके बाद निकलती हूँ जल्दी से। तो फाइनली रेडी हो गए हैं, और वैदान को आप लोगों को दिखाते कैसे तो देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं रोड पे, रोड से ऑटो पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे शॉप में।
देखिए मेरा जो बिल्डिंग है जहाँ रहते हैं और उससे रोड ज़्यादा देर नहीं, बस 2 ही मिनट लगता है, उससे भी कम। तो चलिए जल्दी से ऑटो पकड़ लेते हैं। तो खाना खा के वैदान को सुलाने जा रही थी, तब मेरा हस्बैंड का फ़ोन आया जो वैदान के लेकर आने के लिए शॉप में, तो इसलिए हम लोग जल्दी से रेडी होके वैदान को लेके चल रहे पापा का शॉप में, और उधर जाके देखिए वैदान क्या करता है। तो अभी हम लोग जा रहे ऑटो में करके और ऑटो से पहुंच जाएंगे शॉप में। और चलिए दिखाते हैं मेरा हस्बैंड का शॉप। কি বদমাইশ দেখো।